रायबरेली में फुटवियर दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। रायबरेली से खबर आ रही है, आपको बता दें फुटवियर दुकान में लगी भीषण हादसे में पूरी दुकान जलकर राख। रायबरेली से खबर आ रही है, आपको बता दें कि फुटवियर की दुकान में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। खबर रायबरेली से है, जहां फुटवियर की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता कर रही है फायर ब्रिगेड की टीम। रायबरेली में फुटवियर दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। खबर रायबरेली से आ रही है, जहां फुटवियर की दुकान में भीषण आग लग गई। हादसे में पूरी दुकान जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। खबर रायबरेली से आ, जहां फुटवियर की दुकान पर आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता करें फायर ब्रिगेड की टीम। लखनऊ में आईएएस नवनीत सहगल को विदेश जाने की मिली मंजूरी। खबर लखनऊ से है, जहां आईएएस नवनीत सहगल को सीएम योगी ने विदेश जाने को दी मंजूरी। खबर लखनऊ से है, जहां आईएएस नवनीत सहगल को विदेश जाने की मंजूरी मिली। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जाएंगे विदेश। खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर जर्मनी बेल्जियम स्वीडन के दौरे पर रहेंगे नवनीत सहगल। खबर लखनऊ से आपको बता दें कि आईएएस नवनीत सहगल को विदेश जाने की मंजूरी मिली। 9 से 14 दिसंबर तक विदेश दौरे पर रहेंगे नवनीत सहगल। लखनऊ में आईएएस नवनीत सहगल को विदेश जाने की मिली मंजूरी। सीएम योगी ने विदेश जाने को दी मंजूरी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जाएंगे विदेश। खबर लखनऊ से है, जहां आईएएस नवनीत सहगल को विदेश जाने की मंजूरी मिली। जर्मनी बेल्जियम स्वीडन के दौरे पर रहेंगे नवनीत सहगल। 9 से 14 दिसंबर तक विदेश दौरे पर रहेंगे नवनीत सहगल। खबर लखनऊ से आ रही है, आपको बता दें कि सीएम योगी ने मंजूरी दी है। लखनऊ में देर रात खदरा में चाय पीने के दौरान विवाद का मामला सामने आया है। खबर लखनऊ से है, घर वापस लौटते समय दबंगों ने युवक को उतारा था मौत के घाट। खबर लखनऊ से है, जहां रास्ते लौटते समय दबंगों ने युवक को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की शुरू की। जल्द ही आरोपी पुलिस पकड़ में होंगे। दबंगों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। खबर लखनऊ से है, सुबह लगभग 3:30 बजे के आसपास दीपू गौतम और ऋषभ श्रीवास्तव अनुज गुप्ता के मध्य गाड़ी हाफ डाला हटाने को लेकर के मध्य इनके बीच विवाद होता है, जिसके बाद दीपू गौतम अपने घर चले जाते हैं। वहाँ पर ऋषभ श्रीवास्तव और अनुज गुप्ता इनके घर पहुँचते हैं, इनके साथ गाली गलौज करते हैं। तब तक इस दौरान इनके भाई राकेश गौतम और मुकेश गौतम ये भी मौके पर आ जाते हैं। इसी दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल सोनकर है, इसको ये लोग मौके पर बुलाते हैं। साहिल सोनकर अपने कुछ दोस्तों के साथ XUV 500 गाड़ी पर आता है। तेज रफ्तार से ये गाड़ी आती है और इसमें जो दीपू गौतम और ये जो इनके दोनों भाई हैं मुकेश गौतम और राकेश गौतम, इन तीनों के ऊपर ये गाड़ी चढ़ा देता है। रामपुर में उपचुनाव की तैयारियां तेज। खबर रामपुर से आ रही है, जहां कल उपचुनाव हो रहा है। रामपुर में उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। मंडी समिति से पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। खबर रामपुर से आ रही है, जहां मंडी समिति से पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई। मंडी समिति का डीएम रविंद्र कुमार ने किया जायजा। खबर रामपुर से है, जहां उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। पोलिंग बूथों पर रवाना हो चुकी है पोलिंग पार्टियां। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मंडी समिति पर है तैनात। टोटल इस बाई इलेक्शन में बूथ हैं जिसमें 454 पार्टी रवाना होनी है। उसमें लगभग 350 के लगभग पार्टियां हमारी पूरी कंप्लीट है, जो रवाना होने की तैयारी भी कर रही है यहाँ से। बाकी भी जो डिकोडिंग सेंटर है उससे सभी ने ड्यूटी प्राप्त कर ली है। प्रोसेस में सारी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि लगभग 1.5 घंटे में सभी पार्टियाँ यहाँ से रवाना हो जाएंगी। सर, कितने बूथ बने हुए हैं? 454 टोटल हमारे बूथ हैं और 166 हमारे टोटल सेंटर्स हैं नगर विधानसभा में। कितने सेक्टरों में बांटा गया? रामपुर को 34 सेक्टर्स में बांटा गया है और उसी हिसाब से जो हमारी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस की ड्यूटीज़ भी लगाई गई हैं। समिति का डीएम रविंद्र कुमार ने जायजा लिया है।
आपको बता दें कि कल रामपुर में उपचुनाव होना, जिसको लेकर पोलिंग बूथों पर रवाना हो चुकी है पोलिंग पार्टियां। खबर रामपुर से आ रही है, जहां पोलिंग बूथों पर रवाना हो चुकी हैं पोलिंग पार्टियां। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मंडी समिति पर है तैनात। उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है रामपुर में। आपको बता दें कि खबर रामपुर से है, जहां उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मंडी समिति से पोलिंग पार्टियां हुई रवाना, और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तुषार हमारे साथ जुड़ेंगे। तुषार, देखा जाए तो कल रामपुर में उपचुनाव होना है, इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं, पोलिंग पार्टियां अब अपने अपने उस पर रवाना हो चुकी हैं पोलिंग बूथों पर। में वो लगातार बूथों को जो जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, मंडी समिति का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो रामपुर के जो डीएम है और जो एसपी है, वो लगातार लोगों से ये बोल रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, इस तरीके की जो लोगों से संदेश दे रहे हैं। जी तुषार, देखा जाए तो जनता का क्या माहौल दिख रहा है वहाँ पर, जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है? देखिए, अगर तैयारी की बात की जाए तो लगातार जो भाजपा के जो प्रत्याशी यहाँ कर सकते ना, वो लगातार जनता के बीच में जा रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी जी भी आए थे भैया। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो जो अखिलेश यादव है वो भी यहाँ रामपुर में आए थे। आजम खान जो है वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा के जो प्रत्याशी है वो लोग जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ वो ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। जी जी, रामपुर में कितनी पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई है पोलिंग बूथों को लेकर? जी देखिए, अगर पोलिंग बूथ की बात की जाए तो 300 से अधिक बनाई गई है। उसके साथ में यहाँ पर जो है हर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के लिए खड़े इंतजाम किए गए। सीआरपीएफ, डीआरजी, यहाँ पे पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर आई हुई है, और लगातार जो है पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ पर हर चौराहे से हर बोर्ड पर यहाँ पर जो पुलिस बिल्कुल तैनात हो रही है, कोई किसी प्रकार की हरकत नहीं कर सकता। अगर किसी प्रकार की हरकत की जाएगी तो पुलिस उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। जी जी तुषार, देखा जाए तो कल उपचुनाव होना है, तो क्या कुछ लग रहा है कि रामपुर प्रशासन से कोई आपत्ति है किसी को, पक्ष या विपक्ष में? देखिए, अगर आपत्ति की बात की जाए तो आपत्ति तो खैर यहाँ पर खैर जो पार्टियां हैं उनको यहाँ पर नहीं है, क्योंकि भाई अगर आपत्ति की अगर आप बात भी करती हैं तो यहाँ पर जो सफर के वो है यहाँ पर आजम खान, वो रामपुर पुलिस पर जो है उन्होंने गंभीर आरोप लगाया था कि रामपुर की जो पुलिस है उनके साथ निष्पक्ष जो है बिल्कुल काम नहीं करती है, उनके साथ पक्षपात भी करती है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी बात की जाए तो जो है सफल के नेता आजम खान है उन्हीं की तरफ से जो है कि रामपुर पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप हमेशा से लगाए जाते हैं, और अब की बार भी उन्होंने यही बोला है। जी जी, बात करें तुषार, देखा जाए तो कल उपचुनाव हो तो क्या लगता है कि जनता किस किन किन मुद्दों को रखकर इस बार वोट करेगी? देखिए, अगर मुद्दों की बात की जाए तो रामपुर में जो है जो मेन जो है मुद्दा वो विकास रहेगा, और उस साथ में यहाँ पर जो विकास की जो कमी रह गई है उन विकास की कमियों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश चंद्र वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और लगातार लोगों से ये बोल रहे हैं कि मैं रामपुर में जो है वो रोजगार लेकर आऊंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो आजम खान है उन्होंने यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ नहीं करा है, और ना जो है उन्होंने रोजगार दिया, रोजगार के नाम पर उन्होंने जो है लोगों यहाँ पर रिश्ते फरमाए। मैं उन लोगों से यहाँ पे लेकिन हटा के रामपुर उद्योग में क्या आऊंगा, क्योंकि कानपुर के बाद रामपुर का ही नाम था, इसलिए सपा के जो आजम खान है वो भी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे ये वादे कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मेरे बीच में काम जो रह गए थे, जो काम यहाँ पे करवा रहा था, जो काम यहाँ पे रह गए थे, वो काम अमने अगर यहाँ पे होता है तो मैं दोबारा यहाँ पे चालू करवाऊंगा। जी तुषार, देखा जाए तो जिस तरीके से हमेशा लगातार आजम खान इस सीट से जीतते चले आ रहे थे, क्या कुछ इस बार बदलाव होगा या वही पुरानी? देखिए, अगर बदलाव की बात करें तो रामपुर की जनता जो है कहीं ना कहीं अब ऊंच चुकी है, वो भी सिर्फ उपचुनाव के चक्कर में, क्योंकि देखिए लोकसभा का भी अभी उपचुनाव हुआ था, उसके बाद अभी लोकसभा के चुनाव का भी सही से एक साल भी पूरा नहीं हो पाया, उसके बाद अब जो है अभी यहाँ विधानसभा का उपचुनाव होने लगा। तो रामपुर की जो जनता है वो उनसे कहना ये की चुनाव बार बार होते हैं, इससे हम ही लोग पूछते हैं यहाँ पे जब आचार संहिता रखती है तो उसमें मंडी समिति खुल जाती है, लोग कारोबार बंद हो जाते हैं, जगह जगह जो पुलिस तैनात रहती है, तो लोगों के दिलों में दहशत का माहौल बन जाता है, तो लोग जो है जो अपना काम करते हैं वो लोग अपना काम नहीं कर पाते हैं, तो लोगों का कहना यही है कि जो है कि ये बार बार उपचुनाव नहीं होने चाहिए। जी जी तुषार, देखा जाए तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी उम्मीदवार हैं आसिम रजा, उनके लिए लगातार प्रचार प्रसार आजम खां कर रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं आसिम रजा? जी बिल्कुल, मैं बात करूँ अगर ऐसी ये
सर मैं आपको बता दूँ जो सपा के जो नेता है वो आजम खान, उनका चेहरा रामपुर में आज करने के 50-60 साल उनका चेहरा पुराना है। तो लगातार जो है वो लोग बीच में जा रहे हैं, उनके साथ में भी साथ में जा रहे हैं। अभी हाल ही बता दूँ की जो है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रामपुर आए थे, उनके यहाँ पर दौरा रहा था, उसके बाद में आजाद समाज पार्टी के जो थे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद वो भी यहाँ पर रामपुर में आए थे। अगर उसके बाद देखा जाए तो आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो भी यहाँ पर आए थे। तो लगातार जो है यहाँ पर जनसभाएं की जा रही है, लोगों से बातचीत की जा रही है, उनकी जो उनकी जो शिकायतें हैं उनको दूर करने की जो आजम से बात कर। वहीं अगर दूसरी ओर बात की जाए तो सपा नेता आजम खान अपने बयानों के चलते हमेशा विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। अभी हाल ही की बात है, उनके ऊपर 2 मुकदमे विवादित बयान को ही के चक्कर में हुए हैं। तो रामपुर की जनता इन चीजों को अब वो कहीं ना कहीं नोट करती है कि आज की मतलब किसकी वही अगर जनता की बात करें तो जनता का भी ये कहना है कि जिसकी सरकार है उसी के प्रत्याशी को वोट देना हम जो है मुनासिब समझते हैं। जी जी, आपने जिस तरीके से बताया कि अभी रामपुर में जिस तरीके से आजम खान लगातार बयानों में है अपनी वायरल वीडियो को लेकर पिछले जो उन्होंने कहा था, तो क्या कुछ लगता है इन सब वीडियो से कुछ फर्क आने वाला है? देखिए अगर ऐसी बात किया तो जो सफर है आजम खान है मुकदमे उनके लिए आम हो चुके हैं, लगातार उनके ऊपर मुकदमे लगाए जाते हैं। तो जनता भी चीज को समझ चुकी है कि मुकदमे उनके लिए आम है। तो अगर यहाँ मुकदमे की बात किया तो मुकदमे से जनता के लिए कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर देखा जाए महिलाओं में तो रामपुर सपन का आजम खान ने हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करके एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने महिलाओं के प्रति कुछ ऐसे अपशब्द बोले थे जिसको लेकर यहाँ पर महिलाओं में काफी रोष है। अभी हाल ही में यहाँ पर जो मुख्यमंत्री योगी जी आए थे उसके बाद जब हमने महिलाओं से बात करने की कोशिश की तो महिलाओं ने बताया कि जो है आजम खान ने जो ये महिलाओं के ऊपर ये बयान दिया है ये ऐसा बयान उनको नहीं करने के लिए होगा। और इस बयान को लेकर अब जब आजम खान लगातार अब हार रहे हैं, पिछली बार भी वो आ रहे हैं, इसीलिए अब वो कहना है बौखला रहे तो बयान कहीं ना कहीं दे रहे हैं। तो अगर मुस्लिम महिलाओं की भी बात की जाए तो मुस्लिम महिलाएं भी अब कहीं ना कहीं ये बोल रही है कि हम जो है भाजपा के पक्ष में ही अख्तियार वोट जो है करने वाले हैं। जी जिस तरीके से अभी आपने बताया और देखा जाए तुषार, तो अभी बीजेपी ने पसमांदा समाज के लिए हमेशा से चुनाव में जातिगणना और जातिवाद को लेकर हमेशा से एक सटीक वो लिया जाता है, तो क्या लगता है बीजेपी जिस तरीके से पसमांदा मुस्लिम समाज के लिए सम्मेलन की थी तो क्या कुछ फर्क आने वाला है इस पर? देखिए अगर पसमांदा समाज के लोग की बात किया तो लगातार अभी जो है उप मुख्यमंत्री विजय पाटिल आए थे तो उन्होंने जो है यहाँ पर गांधी स्टेडियम में आके उन्होंने जो यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित किया था जो कि पसमांदा समाज के लिए थी। अगर पसमांदा समाज की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं यही बोल रहे हैं कि आजम खान ने हम लोग को सताया है, आजम खान ने हमारे साथ गलत किया है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ पसमांदा समाज जो है अब भाजपा की ओर भी जाता हुआ उम्मीद दिखाई दे रहा है। तो सर अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो वो भाजपा की तरफ जा रहे हैं, तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भाजपा की तरफ वो जा रहे हैं? देखिए अगर मुद्दे की बात की जाए तो रामपुर में जो है रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है, मुस्लिम लोगों का ये कहना है कि जो है यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। और अगर रोजगार और अगर वही अगर दूसरे रोजगार की बात की है तो रोजगार के नाम पर भी यहाँ पर कुछ नहीं है। रोजगार के नाम पर सपन का आजम खान ने सिर्फ यहाँ पर जो युवा है उनके पूरी शिक्षा देने का यहाँ पर काम किया है, इसलिए अब वो ये बोल रहे हैं कि जो भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना वो यहाँ पर उद्योग लाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि कानपुर के बाद जो है सीधा रामपुर का जो यहाँ पर दूसरा नाम आता था उद्योग के नाम पर यहाँ पर इतनी सारी फैक्ट्री थी। लेकिन वही अगर बात की जाए सपन का आजम खान ने यहाँ की जो फेमस राजा टेक्सटाइल के नाम की फैक्ट्री थी सपन का आजम खान ने वहाँ पर हड़ताल करवाने के बाद वो फैक्ट्री जो है बंद करवा दिया था। तो जो है लोगों के दिलों में ये चीजें कहीं ना कहीं बस थी कि हाँ सपन का आजम खान ने उनके साथ गलत किया है या नहीं, तो ये चीजें जो है कोई भी प्रत्याशी वो उनको बताने की जरूरत नहीं है। जी तुषार, देखा जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान के लिए सीट बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, अब की बार जो है यहाँ पर जो आजम खान को सीट बचाना अपनी नाक बचाना कहीं ना कहीं मुश्किल दिखाई दे रही है। वही क्योंकि देखिए अगर दूसरी ओर बात की तो भाजपा के जो प्रत्याशी आकाश सक्सेना उनके फेवर में यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री योगी जी भी आ चुके हैं, तो दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर आ चुके हैं, उनके लिए वोटों की अपील कर चुके हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री उप केंद्रीय मंत्री ऐसे कई सारे बड़े यहाँ पर दिग्गज नेता रामपुर लगातार यहाँ पर दौरे पर है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। यहाँ के जो सांसद हैं घनश्याम सिंह लोधी वो भी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलक वो भी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भाजपा जो है बिल्कुल अब की बार बिल्कुल उनकी जो सीट है वो तोड़ने के फिराक में लगी हुई है और लगातार अपने जद्दोजहद में लगी हुई है कि किसी न किसी तरीके से बस ये उपचुनाव की सीट
हमें अस्वीकार मिलनी चाहिए, हमारे पार्लियामेंट से गिरनी चाहिए। वही अगर सपा नेता की बात की जाए तो सपा नेता जो आजम खान है वो भी लगातार जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने कड़े कड़े बयान ऐसे दे रहे हैं ताकि लोगों के दिलों पर वो दोबारा से राज कर पाए। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि अक्सर आजम खान अपनी जो सीट है अपनी ना कहने को बचा पाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी तुषार, देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से आजम खान जीतते चले आ रहे थे, तो क्या लगता है वोटर्स का मूड इस बार विकास को लेकर होगा या फिर वही पुरानी रीत कायम रखेंगे जिस तरीके से वो लगातार जीतते चले आ रहे थे? देखिए अगर ऐसी बात किया तो अब जो है अब यहाँ की जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है, उसको पता है कि मुझे अक्सर क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर उपचुनाव लोकसभा उपचुनाव की बात की जाए तो लोकसभा उपचुनाव में यहाँ की जो जनता उन्होंने अपना जवाब सफर आजम खान को दे दिया था कि अब की बार हमारा मूड क्या है। तो अगर लोकसभा उपचुनाव के तहत ही अगर बात की जाए तो अब की बार भी भाजपा यहाँ पर निकालने में हो सकती है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तुषार। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।